पटना ते पंजाब भावें अलग अलग सूबे ने लेकिन इन्हों दोनों सूबे की एक खासियत है, इन्हों दोनों सूबे की एक जॉइंट स्टेट कैपिटल है चंडीगढ़। तो दूजी बड़ी खासियत यह है कि इन्हों दोनों सूबे की एक ही असैम्बली है। ये तुसी मेरे खब्बे पासे देख सकते हो, ये दोनों सूबे की जॉइंट असैम्बली है जिथे दोनों सूबे की जड़िया विधानसभावां ने वो काम काज जड़ा कर दिया आ रही ने। लेकिन हुण हरियाणा की भाजपा सरकार ने अलग विधानसभा बिल्डिंग बनाउण दे लई जमीन की मंग करके बरिया पुराने चंडीगढ़ की कंट्रोवर्सी नूं एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की है। तो दूजी जड़ी डेवलपमेंट हुई है वह ये कि हरियाणे की मंग का समर्थन करदे होया भाजपा की यूनियन गवर्नमेंट ने भी हुण ये जमीन उपलब्ध कराउण दे लई हामी भर दी है। ये जड़ी डेवलपमेंट है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार दे लई एक हैरानीजनक है, क्योंकि पंजाब भी हरियाणा वांगों चंडीगढ़ से अपना अधिकार जमाउंदा आ रहा। पंजाब दियां वक्खरियां वक्खरियां जड़ियां सरकारां आईयां उन्हां दे लीडर ये कहिंदे आ रहे हैं कि चंडीगढ़ से सिर्फ और सिर्फ पंजाब का अधिकार है, लेकिन हुण हरियाणे की इस मंग ने इस विवाद नूं एक नया रूप दे दिता है। जिहड़ा जिन बोतल दे विच बंद सी चंडीगढ़ के विवाद वाला एक बार फिर बाहर आ गया है। आनन फानन दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने भी यूनियन गवर्नमेंट से मंग की है कि पंजाब के सूबे के लिए भी अलग हाई कोर्ट ते असेंबली बिल्डिंग के निर्माण के लिए जमीन प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन भगवंत मान इस मंग नूं करके विपक्ष यानी जड़े विरोधी धिर ने उन्होंने निशाने ते आ गए ने। खासकर अकाली दल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ते ये एलीगेशन लाया है कि वो पंजाब के हितों नूं सुरक्षित नहीं रख सके ते उन्होंने हरियाणे के आगे सरेंडर कर दिता है। एडा वड्डा हक जिहदे वास्ते हजारां शहादतां गईआं एक मिनट च एक बयान दे के खत्म कर रहे सरेंडर करता। श्रोमणी अकाली दल ते पंजाबी किसी हालत विच बर्दाश्त नहीं करनगे। मैं चेतावनी देना चाहना मुख्यमंत्री नूं, जां तां इमीजिएटली वापस लो ते नाले मैं सेंटर सरकार नूं भी कहना चाहना किसी हालत विच श्रोमणी अकाली दल ते पंजाबी चंडीगढ़ पंजाब दा हिस्सा है, पूरी जिंदगी रहूगा। किसी हालात विच असी पंजाबी श्रोमणी ते श्रोमणी अकाली दल पार्टी पंजाब दी टेरिटरी चंडीगढ़ विच हरियाणे नूं ना विधानसभा वास्ते ना हाई कोर्ट वास्ते जमीन अलॉट कर देवांगे। मैं लिख के दिता कि चंडीगढ़ तो दावा छड़ता, जे चंडीगढ़ दे ऑलरेडी विधानसभा चंडीगढ़ च उन्हां दी हैगी है बिल्कुल, ते जे उन्हां नूं होर वड्डी जमीन दिंदे ने असीं क्यों नहीं हैगे विच फिर। सो ये कौन बोल रहा है जिन्हां कौन जी सुखबीर बादल वो है जिन्हें सारे पंजाब के दफ्तर जिहड़े ने चाके मोहाली शिफ्ट करते क्योंकि उत्थे दीआं जमीनां सी, जिन्हें नवा चंडीगढ़ बनाया। जदों बादल साहब पांच बारी मुख्यमंत्री रहे बहुत बारी इदां हुंदा रहा कि उत्थे भी सरकार जो वाजपेयी की सरकार सी बादल साहब सी, जदों मोदी की सरकार सी ये सरकारां दे विच रहे ने उदों क्यों नहीं ये गल करदे। ते दूजी कांग्रेस उहदे बारे तां गल ही ना करो। मान साहब पंजाब दा इतराज है जी, देखो गल ये है पंजाब दे सारे फैसले मुख्यमंत्री करदे, लोगों को पुछ पुछ के बनाने बजट भी पुछ पुछ के बनाने। आज मतेवाड़ा की जी कमेटी सी उन्होंने गल की। जनता की तरफ से माननीय गृहमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जो पंजाब में हो रहा है वो तो स्थानीय राजनीति से वशीभूत होकर इस तरह की बयानबाजी है। एक तरफ तो भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हमें भी अलग से जमीन दी जाए, दूसरी तरफ उनके ही स्वास्थ्य मंत्री वो और तरह की बात कह रहे हैं। तो पहले तो वो अपने घर में फैसला कर लें कि वो कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, पंजाब के नेताओं की एक प्रवृत्ति रही है, जब भी हरियाणा ने अपने हक की बात की है, जब भी हरियाणा ने अपने दावे की बात की है, उन्होंने इस तरह के उलझुल बयान दिए हैं। सेक्टर 39 में पंजाब सरकार अपने विधायकों के लिए घर बनाती है, उसके ऊपर कभी कोई सवाल ना तो हरियाणा ने खड़ा किया है, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है और पंजाब की राजधानी भी है और वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय को पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है पंजाब के राजनेताओं के ये जो बयान है ये केवल उनकी स्थानीय राजनीति अपने स्थानीय राजनीति का अस्तित्व उसके लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते। तो हुण ये जड़ा नवी कंट्रोवर्सी है चंडीगढ़ का जड़ा बरिया पुराना एक विवाद है
इस दे होर गहराने दे आसार बन गए ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी दे लीडर्स ते होर विरोधी धिरां दे लीडर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे ही जा रहे ने, ते इह जिहड़ा विवाद है हुण होर ज़्यादा बदने वाला है। देखना दिलचस्प यह होएगा कि हरियाणे की भाजपा सरकार अपना अलग असैम्बली भवन जिहड़ा बनाउण दे विच कामयाब हुंदी है, या फिर जिवें कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने चैलेंज किया है कि वो हरियाणे नूं चंडीगढ़ के विच घटो घट ये बिल्डिंग बनाउण नहीं दवांगे। तो कुल मिला के ये जिहड़ी कंट्रोवर्सी है, इसका नवा रूप साडे सामने आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ते भाजपा की हरियाणा ते यूनियन गवर्नमेंट एक बार फिर आमने सामने है। कैमरा परसन अमन गुप्ता के नाल पंजाब तक के लिए मनजीत सहगल।